क्या आपको पता है केरला किस चीज के लिए फेमस है? उसकी ब्यूटी, उसके बीचेस, उसके माउथ वाटरिंग डिशेस। हर्ब्स, आयुर्वेदा, सी फूड्स और बहुत सारी चीजों के लिए। आज हम यहाँ पे आए हैं फोर्ट में, जहाँ पे केरला, ऑथेंटिक केरला, ऑथेंटिक मतलब एकदम केरला स्टाइल खाना मिलता है। और ये जो रेस्टोरेंट है 31 इयर्स पुराना रेस्टोरेंट है ये। तो चलिए चलते हैं डिलक्स केरला रेस्टोरेंट, जिसका स्लोगन है अ रियल टेस्ट ऑफ गॉड्स ओन कंट्री। तो क्या आप तैयार हो कि नहीं? तो आ जाओ। सो फ्रेंड्स, ये है वो रेस्टोरेंट जिसका नाम है होटल डीलक्स, जो स्पेशल है केरला फूड के लिए। केरला फूड, जैसे मैंने आपको इंट्रो में बताया था, इट इज़ स्पेशल फॉर सी फूड एंड देयर माउथ वाटरिंग ऑल द स्पाइसेस एंड हर्ब्स। तो यहाँ पे मैंने मंगाया है स्क्विड फ्राई, दिस इज़ अ स्टार्टर, इट लुक्स वेरी अमेजिंग विद लॉट्स ऑफ कड़ी पत्ता इन इट। एंड आई हैव ऑर्डर्ड यहाँ पे प्रॉन्स फ्राई मसाला, इसके साथ दे आर गिविंग दिस ग्रेवी ताकि आपको कोई चीज़ सूखा ना लगे। एंड आई हैव ऑर्डर्ड पराठा, विच इज़ कॉल्ड परोठा, विद दैट दे हैव गिविन सैलड एंड सम पिकल। इसके साथ आई हैव ऑर्डर्ड वन चिकन बिरयानी, इट लुक यमी, इसमें कोई ऐसा कलर एडेड नहीं लग रहा, इट लुक जस्ट अ सिंपल बिरयानी। तो चलिए टूट पड़ते हैं अपना केरला का खाने के लिए। आर यू एक्साइटेड? So excited! I'm very excited. So let's start with the squid fry. थोड़ा chewable है, but सारे जो स्पाइसेस है बहुत अच्छी तरह से इन्होंने डाला हुआ है। एंड लॉट्स ऑफ कड़ी पत्ता, अगर आप देखो ये केले के पत्ते में ज़्यादा करके आपको कड़ी पत्ता ही दिख रहा है। एंड केरला फूड में कड़ी पत्ता बहुत ज़्यादा यूज होता है। दिस इज अ स्पाइसी, मुझे बहुत अच्छा लगा, ये क्रिस्पी है, स्पाइसी है और स्टार्टर के लिए ये बहुत बेस्ट है। इसके अलावा यहाँ पे फिश के और भी आइटम मिलते हैं, जैसे करीमी, पोलिटू, कच्ची एंड मेनी मोर थिंग। इनके नाम बहुत अलग अलग रहते हैं, बट इज जस्ट अ सुरमई, रावस एंड मेनी मोर फ्राई थिंग। यहाँ पे हर दिन एक ना एक स्पेशल डिश लगाया रहता है, जैसे उनके मेनू में आप देख सकते हो यहाँ पे टुडे स्पेशल में। अभी यहाँ पे खा रही हूँ प्रॉन्स फ्राई मसाला विथ अ परोठा। इट्स सेम, इसको भी डीप फ्राई करके बनाया, इसको भी डीप फ्राई करके बताया, बट ये मसाला है तो इन्होंने बहुत सारा अनियन डाला है और जो भी अनियन है वो पूरा क्रंचीनेस आवाज आ रहा है। बट इधर का जो स्पाइस है ब्लास्ट हो रहा है, बहुत स्पाइस है। लेट्स टेस्ट द ग्रेवी, फिश ग्रेवी है। फुल ऑफ कोकोनट, टैमरिन, धनिया, काली मिर्च सारे पाउडर के साथ। इट्स अ सिंपल ग्रेवी। यहाँ पे और भी चीज़ें मिलती हैं, जैसे वेज में ओनम में या आप कभी भी आओ यहाँ पे वेज साध्या मिलता है, जो सिर्फ एसी सेक्शन में मिलता है। आप
आपको अगर वो खाना है तो सिर्फ आपको एसी सेक्शन में बैठ के ही आप खा सकते हो। दूसरा, ये रेस्टोरेंट काफ़ी पुराना है, यहाँ के जो ओनर है वो कैलीकट से आए थे, 31 इयर्स पुराना रेस्टोरेंट है। उन्होंने यहाँ पे ये रेस्टोरेंट फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया विथ ओनली अ केरला फूड, बट अब इनके साथ इनके पास केरला फूड के अलावा सम चाइनीज़ भी मिलता है, पंजाबी डिश भी मिलता है, सो यू शुड कम एंड डेफिनेटली ट्राई योर। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दे हैव टू सेक्शन, एक नीचे एक नॉर्मल सेक्शन है, ऊपर एसी सेक्शन है, तो आप एसी सेक्शन में बैठ के भी खा सकते हो, नीचे भी आराम से खा सकते हो। काफ़ी वर्किंग पीपल यहाँ पे आते हैं जो टिफिन नहीं लाते, लंच के हिसाब से वो यहाँ पे आके खाते हैं, बिकॉज इट्स अ टोटल बजट फ्रेंड। सो केरला रेस्टोरेंट में आओ और यहाँ पे सांबर और रसम ट्राई ना करो, ऐसा हो नहीं सकता। तो मैंने यहाँ पे रसम की जगह पे सिर्फ सांबर मंगाया है, और मैंने यहाँ पे ना आजू बाजू लोगों को देखा था, वो लोग सांबर बहुत भर भर के पी रहे थे, तो मैंने सांबर ऑर्डर किया है। सांबर इज फुल ऑफ वेजिटेबल्स, यानी भिंडी, कांदा, टमाटर, भोपला एंड मैनी थिंग। तो चलिए टेस्ट करते हैं यहाँ का सांबर। इट्स नॉट अ रेगुलर सांबर जो हमें हर एक रेस्टोरेंट में इडली डोसा के साथ मिलता है, इट्स अ प्योर ऑथेंटिक केरला वाले लोग का सांबर है, और मुझे इनका प्रेजेंटेशन बहुत पसंद आया है। इट इज़ अ सिंपल बट सारा चीज़ बनाना देखते हैं। सो अब मैं इनका रायता है वो ट्राई कर रही हूँ। सिंपल, लिटिल स्वीट बिकॉज ऑफ अनियन, फुल मील यहाँ पे खा सकते हो। आपको चिकन मिलेगा, मटन मिलेगा, सी फूड मिलेगा। आई लव दिस ग्रेवी ऑल्सो। तो अब मैं खाती हूँ चिकन बिरयानी। इसका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, आपको यहीं पे बहुत सारे काजू, इलायची और कैरमलाइज अनियन दिखेंगे। इट्स अ नॉर्मल राइस। फोर्ट एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं, बट वहीं पे ही फोर्ट में अगर आप जाओ तो आपको बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट दिखेंगे जो काफ़ी ओल्ड है और ऑथेंटिक खाना पेश करते हैं। तो चलिए खाते हैं चिकन बिरयानी। बहुत छोटे छोटे राइस हैं इनके, ये चिकन के पीसेस विथ सम बिरयानी। फुल ऑफ गरम मसाला, एक सिंपल घर का चिकन बिरयानी होता है ना, सिर्फ वही है। सिर्फ इसको इन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम मैरिनेट करके रखा है एंड फ्राई करके इसका पीसेस डाला है, बिकॉज इसका जो ग्रेवी है इट्स थोड़ा स्वीट, थोड़ा स्पाइसी और थोड़ा सा खट्टा। ऐसा लग रहा है मैं केरला पहुँच गई हूँ। कोई एसेंस डाला नहीं है, इट्स सिंपल कांदा और टमाटो मसाला। एंड चिकन बहुत सॉफ्ट है। और आप अगर यहाँ आओगे ना तो आपको पूरा केरला का एम्बियंस दिखेगा, मतलब सब जगह पे केले का पत्ता, और मेरे पीछे बहुत सारे फोटोज़ लगे हुए हैं। सो इतना हैवी खाने के बाद यहाँ पे मैंने मंगाया है एक स्वीट डिश जिसका नाम है परदा पायसम। इट्स ऑफ रेड राइस, रेड राइस को डाल के ये पायसम बनाया जाता है। इसमें रेड राइस आप एकदम देख सकते हो,
और अब खाते हैं हमारा पायसम। नो वर्ड्स बट फिर भी मैं बोलना चाहती हूँ, इट्स वेरी वेरी स्वीट विथ ऑल कोकोनट मिल्क एंड सम इलायची। और जो राइस है एकदम अच्छे से पका हुआ है, एकदम सॉफ्ट, और मुँह में जाने के बाद वो घुल जाता है। आई लव दिस रेस्टोरेंट। हम काफ़ी महंगे महंगे रेस्टोरेंट में जाते हैं, बहुत सारा बिल बनाते हैं, तो ऐसे छोटे छोटे रेस्टोरेंट में जाकर भी हम भरपेट खा सकते हैं, एकदम ऑथेंटिक भी खा सकते हैं। सो हम और भी ऑथेंटिक रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं विद अ बजट फ्रेंडली और थोड़ा ओल्ड, बिकॉज ओल्ड हमेशा गोल्ड होता है। सो चलिए आप हमें बताइए कि आपको हमारा ये केरला का ऑथेंटिक खाने का वीडियो कैसा लगा है, और अगर आपके नज़दीक में कहीं पे कोई ऑथेंटिक रेस्टोरेंट है या होटल्स है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट पे बताइए। अगर आप कमेंट नहीं करना चाहते तो आप पर्सनलाइज हमें इंस्टाग्राम में मैसेज भी कर सकते हो। इंस्टाग्राम का हमारा आईडी ये है और फेसबुक का आईडी ये है। तो इसी पायसम के साथ मैं अपना वीडियो एंड करती हूँ। सो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाइए। So do like, share and subscribe to my YouTube channel, which is Chatter Patter.